सहारा निवेशकों के समर्थन में कांग्रेस रसल चौक में किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के रसल चौक में कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी श्री जेपी अग्रवाल का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ द्वारा चलाए जा रहे सहारा निवेशकों के भुगतान की लड़ाई एवं बिजली विभाग की लूट के खिलाफ कांग्रेस द्वारा गठित प्रकोष्ठ के लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मुद्दों को सुना और आश्वस्त किया कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वचन पत्र में सहारा निवेशकों की मांग को अंकित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने इस आंदोलन की सराहना करते हुए निरंतर इसी तरह से आंदोलन को क्रमबद्ध चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। बिजली का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण का खोल खोल रहा, आज जनमत आपके साथ है। और मध्य प्रदेश में जब जबलपुर आए हैं तो जो जबलपुर से जो अर्क लगती है पूरे प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस स्थापित होने जा रही है। माननीय जयपी अग्रवाल जी को यहाँ बधाई, उनका अभिनंदन इस संस्था द्वारा होगी। हमारे बीच में सभी सैनिक जो अभी बनारस विधानसभा का चुनाव लड़े थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमलनाथ जी ने अगर महामंत्री बनाया, मैं उनका भी बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और बड़ा नाशान ये भी है, जिला कांग्रेस कमेटी के मजबूत दावेदार थे और दोनों ने मिलकर कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं। अपने जगत बहादुर सिंह अग्नि जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जिला अध्यक्ष न बनने के बाद भी जिस प्रकार से आज वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को जगत बहादुर सिंह अग्नि समझ कर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं सब के कार्यों को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने और जयप्रकाश अग्रवाल जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उनके कार्यों को देखते हुए प्रदेश महामंत्री के पद से सुशोभित किया। और जिस प्रकार से ये बहुत लंबे समय से सहारा के अंदर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लगभग 700 करोड़ के आसपास जबलपुर के साथियों का पैसा फंसा हुआ है, पीछे कुछ पैसा इन्होंने अपने ये नाटा जी के सोरा भाई नाटी के प्रयास से बहुत सारे लोगों का पैसा वापिस भी मिला है और ये सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सोरम नाटी जी के संघर्ष एक दिन रंग लाएगा और सभी की जो जमा पूंजी है वापिस मिलेगी। धन्यवाद जय हिंद। कमलनाथ जी ने इस बात को कहा था जब उस वक्त सरकार थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस चीजों का नहीं हो पाया।